एनिमल की तबाही चल रही है। अभी तक इस साल की जो भी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं जवान को छोड़कर, इसने सारी मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर दिए हैं। फास्टेस्ट ग्रॉसिंग के मामले में, फास्टेस्ट कलेक्शन के मामले में, पठान के रिकॉर्ड को भी ब्रेक डाउन कर दिया। टाइगर 3 तो पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया है। मतलब हिंदी से ये मूवी सेकंड नंबर पर आ चुकी है, जवान के सेकंड नंबर पर। जवान जो है फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी थी, देन उसके बाद एनिमल आ चुकी है। भाई बहुत सॉलिड तबाही देखने को मिल रही है। पहले 5 दिन में जवान ने जो 306 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन किया था, वहीं एनिमल ने 282 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन किया, जिसमें से सिर्फ जवान ने पहले 5वें दिन में या 5वें दिन में 39 करोड़ का ही कलेक्शन किया था, एनिमल ने 5वें दिन में ही 35.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। मतलब ए रेटेड मूवी है। जवान को विथ फैमिली देखा गया था, फैमिली यूए सर्टिफिकेशन मिला था, बट इसको ए सर्टिफिकेशन मिला है। बावजूद इसके अगर ये मूवी भी फैमिली कंटेंट होती तो जवान को तो कहीं पीछे छोड़ देती। बाय गॉड 5वें दिन में जो कलेक्शन 35.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है, हो सकता था 42-43 या फिर 45 करोड़ भी देखने को मिल जाता। तो सॉलिड है यार, बहुत तबाही देखने को मिल रही। मतलब रणबीर कपूर का ये वाला फेस भाई कोई भुला नहीं सकता। इस साल का मोस्ट ऑफ द ए रेटेड मूवी में हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी है एनिमल, जिसको जनता से भर भर के प्यार मिल रहा है। पहले 5 दिन में जवान ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 622 करोड़ का कर लिया था, वहीं एनिमल ने 526 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। भाई ह्यूज कलेक्शन, ह्यूज ग्रोथ है। ए सर्टिफिकेट की मूवी है, ए रेटिंग मूवी है, एडल्ट कंटेंट, जिसे शायद 18 प्लस ही पब्लिक को एंट्री दी जा रही है थिएटर हाउस में, बावजूद इसके एनिमल पूरा फुल टक्कर दे रहा है जवान को फुल। तो अभी और बात करेंगे पहले 5 दिन में कितना क्या कलेक्शन हो चुका है इस मूवी का। कल कैसा दिन रहा, 6वां दिन, मतलब कल वेडनेसडे में कैसे हाल रहे हैं इस मूवी के, और आज कैसा हाल चल रहा है 7वां दिन। मतलब आज ये मूवी पहला हफ्ता कंप्लीट कर लेगी और फर्स्ट वीक में कितना इसके हाथ लग जाएगा कलेक्शन, हिंदी से, नेट इंडिया से, वर्ल्ड वाइड से, ओवरसीज से, सभी चीज़ों पर एक एक करके नज़र मारेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। पहले 5 दिन में सिर्फ हिंदी से 250 करोड़ ये मूवी कवर अप कर चुकी थी, साउथ वर्ल्ड से 32 करोड़ 50 लाख एंड नेट इंडिया से 282 करोड़ 50 लाख। ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा को मिलाकर, आईएमएक्स ऑल्सो नेट इंडिया से, इसी के साथ ओवरसीज से ये कलेक्शन 144 करोड़ आ चुका था पहले 5 दिन में, और पूरी दुनिया से 481 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन ये मूवी अपने खाते में रख चुकी थी। बात करें कल यानी डे 6 से, यानी कल वेडनेसडे बुधवार को कैसी हालत थी, भाई सॉलिड रेस्पॉन्स मिल रहा है। वर्किंग डेज में भी जबरदस्त कमाई करते ये मूवी नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 42-45% की फुल ऑक्यूपेंसी के साथ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट में ये मूवी जबरदस्त थिएटर पर रन करते नजर आई है, जिसमें से इवनिंग और आफ्टरनून के टाइम पर बहुत से जगह हाउसफुल शोज भी देखने को मिले हैं। तो टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल रहा है लगभग अर्ली एस्टिमेट है 30 करोड़ के आसपास, जिसमें सिर्फ हिंदी से 27.5 करोड़ आते दिख रहा है। ग्रॉस कलेक्शन 36 करोड़, ओवरसीज से 14 करोड़ आते दिख रहा है, लगभग 13-14 करोड़, और पूरी दुनिया से मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 50 करोड़ अपने खाते में रखते नजर आ रही है। भाई ह्यूज ग्रोथ है। मतलब वर्किंग डेज में भी डबल डिजिट में पहले तो आंकड़ा लाना। टाइगर 3 के आई थिंक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 20 से 25 करोड़ होने लग गए थे 6वें या 7वें दिन के आसपास, लेकिन फर्स्ट वीक ये मूवी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अभी भी 40 करोड़ अबव कलेक्शन देखने को मिल रहा है। बस थर्सडे आज और है, अगर आज का ये रेज झेल जाती है आज के वर्किंग डे का, तो कल फ्राइडे में इवनिंग से जो है ग्रोथ हाई देखने को मिल जाती है, और सैटरडे संडे तो ये बूस्ट मारने ही मारने वाला है। तो भाई इस हफ्ते में, मतलब जो संडे खत्म होते होते, ये मूवी ह्यूज कलेक्शन कर सकती है, 700 करोड़ भी इजीली टच कर जाएगी रविवार तक। तो भाई इसके बाद 1000 करोड़ टच करना इसके लिए मामूली सी बात लग रही है। तो पहले 6 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक कितना हो चुका था, हिंदी से 277 करोड़ 50 लाख, साउथ वेल्ड से 35 करोड़, और नेट इंडिया से 312 करोड़ 50 लाख की मूवी कवर अप कर गई थी, और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 522 करोड़ टच करते नजर आई है। भाई साहब कल मतलब 6वें दिन में, कल बुधवार तक ये मूवी 522 करोड़, और आज थर्सडे है, देन कल फ्राइडे एंड देन सैटरडे एंड संडे, तो भाई इजली 700 करोड़ ये इजली ठोक के मार देगी अपने इस हफ्ते को कंप्लीट होते होते। मतलब 10वें दिन में ही या 11वें दिन में ही 700 करोड़ से तो ऊपर जाने ही जाने वाली है, और आने वाले 15 से 16 दिन में या फिर 20 दिन में, जब तक 21 या फिर 22 दिसंबर नहीं आती, क्योंकि 21 दिसंबर को डंकी मूवी आ जानी है, देन 22 दिसंबर को सालार मूवी आ जानी है। जब ये दोनों मूवी चलेंगी तो ये सारी मूवी पिट जाएंगी, एनिमल की कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी।
20 तारीख तक ये मूवी 1000 करोड़ मतलब 800 या 900 करोड़ ये ठोक देती है तो 1000 करोड़ इजली ठोक डालेगी। बात करें आज यानी डे 7 यानी आज थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे में कैसा इसका रुझान है, मतलब फर्स्ट वीक, आज ये मूवी 7वां दिन है और आज फर्स्ट वीक कंप्लीट कर लेगी तो आज क्या है दवाई भाई, आज एडवांस से ही लगभग में लगभग 6.35 करोड़ नजर आ रहा है इसके खाते में, जिसमें सिर्फ हिंदी से 5.5 करोड़ एडवांस से लेते नजर आ रही है भाई। एडवांस देखो देखा जाए तो कल भी इतना कुछ सॉलिड नहीं था, लेकिन वॉकिंग ऑडियंस ने जो ऑन द स्पॉट थिएटर जाके लोगों ने बुकिंग ली है वहां से जो है पूरे रुझान बदलते नजर आ जाते हैं, क्योंकि वो अर्ली एस्टिमेट में कोई प्रिडिक्ट हो नहीं पाता है। दैट्स व्हाई कि एडवांस बुकिंग के हिसाब से जो प्रिडिक्शन रखी जाती है वो बहुत मिनिमम स्केल पे रखी जाती है, छोटे स्केल पे रखी जाती है, लेकिन भाई वॉकिंग ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है, जनता की तरफ से फुल प्यार मिल रहा है, हिंदी ऑडियंस से खासकर हिंदी ऑडियंस काफ़ी प्यार दे रही है इस मूवी को। दैट्स वाई कि इसकी इनकम भाई वर्किंग डेज में भी 40 करोड़ अबव जा रही है। तो आज 7वें दिन का अर्ली एस्टिमेट क्या है भाई, नेट इंडिया से 28 करोड़ ये मूवी इजिली ठोंकते नजर आ रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी से 25 से 25.5 करोड़ आता दिख रहा है और ओवरसीज से आज भी लगभग में लगभग 10 से 12 करोड़ ही ये मूवी अपने खाते में रख रही है। तो पूरी दुनिया से कितना कलेक्शन हो जाएगा, इजिली 40 से 42 करोड़ अपने खाते में लेते नजर आ रही है, बट ये अर्ली एस्टिमेट है, ऑफिशियल रिपोर्ट जब आएगी इससे ज़्यादा ही होगा, लगभग 45 करोड़ ठोंक डालेगी, ईजली ठोंक डालेगी। तो भाई आज ये एंड ऑफ द डे तक कितना कलेक्शन कर लेगी मूवी वर्ल्ड वाइड, ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 570 करोड़ के आसपास टच कर जाएगी। और कल है फ्राइडे, फ्राइडे को इवनिंग से जो है ग्रोथ हाई देखने को मिलती है गल्फ कंट्रीज एंड ओवरसीज में, यूएसए एंड यूके में फ्राइडे की नाइट से जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने, तो ओवरसीज से कल अच्छा आ जाएगा। देन उसके बाद कुछ एक जगह पर हमारे इंडिया में भी हॉलीडे सैटरडे संडे को हॉलीडे दिया जाता है, दैट्स वाई कि फ्राइडे नाइट में और फ्राइडे इवनिंग में भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी, तो कल भी अच्छा कलेक्शन रहेगा, देन सैटरडे बूस्टर जाएगा एंड संडे तो महा बूस्टर जाएगा। तो भाई तबाही है मूवी के लिए, तबाही है, क्या 1000 करोड़ ये मूवी टच कर जाएगी या 700 करोड़ या 800 करोड़, जो भी आज कह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना। मैं मान के चल रहा हूँ ये मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन 750 करोड़ होने वाला है, इजिली होने वाला है, आप लोग भी कह रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।